हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान फ्रूट्स खाने के फायदे के बारे में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान फ्रूट्स खाना हेल्दी तरीका माना जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को विटामिन, आयरन, फॉलेट और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इसलिए हर गर्भवती महिला को बहुत सारे फलों को अपने प्रेगनेंसी डाइट में शामिल करनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो कुछ भी आप अपने प्रेगनेंसी डाइट में सेवन कर रही हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से फल खाने चाहिए और कौन से फल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। यह जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपके गर्भ में पल रहा बेबी को बहुत सारे तत्वों की जरूरत है। इसलिए हरेक गर्भवती महिला को यह जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं सबसे पहला फ्रूट्स कौन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फ्रूट्स है चीकू। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को चक्कर आना और जी मिचलने की समस्या आम होती है। इसलिए इससे बचने के लिए गर्भवती को अपने प्रेगनेंसी डाइट में चीकू को शामिल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह फल पेट से जुड़ी समस्या जैसे दस्त, पेचिश की समस्या को दूर करता है। चीकू में विटामिन ए, विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट फाइबर और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला फ्रूट है केला। केला पोषक तत्वों से युक्त होता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान केला खाना फायदेमंद माना जाता है। केला में जरूरी फैटी एसिड खनिज पदार्थों, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और विटामिन बी ए एवं डाइटरी फाइबर का बेहतरीन स्रोत होते हैं और ये सभी पोषक तत्व आपके गर्भ में पल रहे बेबी के विकास में जरूरी होते हैं। अगला है कीवी। ये फल प्रेगनेंसी के दौरान काफी हेल्दी माना जाता है। इसमें विटामिन सी, ई, ए और फोलेट, पोटेशियम, फोलिक एसिड इस फल में पाए जाते हैं। इसलिए इसके सेवन से प्रेगनेंसी के दौरान हो रहे खांसी और घबराहट की समस्या को दूर करता है। इसलिए आप अपने प्रेगनेंसी डाइट में कीवी को शामिल जरूर करें। अगला है सेब, एप्पल। फ्रेंड्स, नॉर्मल हेल्थ की तरह प्रेगनेंसी के दौरान काफी फायदेमंद माना जाता है। सेब में विटामिन ए, विटामिन सी और फोलेट होने के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी भी जन्मजात विषमता को दूर करता है। इसलिए हर गर्भवती महिला को अपने प्रेगनेंसी के दौरान सेब अवश्य खाना चाहिए। अगला है ऑरेंज। विटामिन सी, फोलेट और पानी से भरपूर संतरा प्रेगनेंसी के दौरान आयरन को सोखने में मदद करता है और फोलेट होने के कारण गर्भ में पल रहे बेबी को हरेक तरह के जन्मजात दोषों से बचाता है। साथ ही गर्भवती को नियमित रूप से पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ऑरेंज का सेवन करनी चाहिए। ऑरेंज के सेवन से डिलीवरी के वक्त पानी की कमी के कारण डॉक्टर को सिजेरियन करना पड़ता है, इसलिए गर्भवती महिला को नियमित रूप से ऑरेंज का सेवन करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगला है नाशपाती। नाशपाती में फाइबर, फोलेट और पोटेशियम अधिक पाए जाते हैं, इसलिए नाशपाती के सेवन से प्रेगनेंसी के दौरान हो रहे कब्ज की समस्या नहीं होगी और आपके गर्भ में पल रहे बेबी के शरीर में हार्ट हेल्थ का खास ख्याल रखता है। अगला है आम। विटामिन ए, विटामिन सी से भरपूर होता है। अगर आप एक प्लेट कटा हुआ आम आपके डेली की विटामिन सी की जरूरत को 100% पूरा करता है। साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु के इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। फ्रेंड्स, अगला है अनार। प्रेगनेंसी के दौरान अनार को एक अमृत की तरह माना जाता है, क्योंकि अनार में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिलीवरी के समय खून की कमी के कारण डॉक्टर को सिजेरियन करना पड़ता है, इसलिए नियमित रूप से प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला को अनार का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अनार के सेवन से आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी
और आपको नॉर्मल डिलीवरी के साथ साथ आपके गर्भ में पल रहे बेबी का स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा। इसलिए आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान अभी तक अनार का सेवन नहीं कर रही हैं तो तुरंत आप अनार खाना शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान किए गए अनुभवों को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।